जब वे खाना खाने बैठे, येशु ने रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और तोड़ते हुए अपने शिष्यों को देते हुए कहा, लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। फिर उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह विधान का रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मत्ती 26:26-28 तक। क्रूस के नीचे खड़ी धन्य मरियम ने रक्त का शाश्वत प्रवाह देखा। जब उन्होंने यह देखा तो उन्होंने दुनिया को पवित्र करने वाली रक्त की हर एक बूंद की आराधना की जो धरती पर गिर रही थी। यूक्रिस्त के इस उपहार में उन्होंने उस निकटता का अनुभव किया जो उन्होंने अभी तक नहीं किया था। यूक्रिस्त के इस उपहार में उन्होंने उस घनिष्ठता का अनुभव किया और यह जान लिया कि क्रूस पर येशु की मृत्यु ही उनको नया और गहन एकजुटता का स्रोत बना देगी। अब उनके पास कोई नहीं था जिसे वो प्यार से निहार सके। वह अब वह व्यक्ति था जिसका उन्होंने सेवन किया और अपने दिल और आत्मा में उसे बसा लिया। उस गहरे रिश्ते पर जो माँ मरियम का अपने पुत्र के साथ था, येशु के साथ उनका संवाद प्रेम एक नए और अधिक गहरे स्तर पर पहुँच गया, क्योंकि पवित्र यूक्रिस्त में उसे शरीर और आत्मा को प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। हम भी सभी के साथ एक बनने के लिए आमंत्रित हैं, क्योंकि हम सभी पवित्र मिसा बलिदान के उपहार का हिस्सा हैं। हम अपने शरीर और रक्त आत्मा में से सांसारिक उपभोग की वस्तुओं को दूर करने की कृपा मांगे और यह जान ले कि जो भी वरदान हमें उपहार के रूप में मिले हैं, वो सभी क्रूस के कारण ही संभव हो पाए हैं। मेरी प्यारी मरियम माँ, प्रार्थना कर कि हम आपके पुत्र के शरीर और रक्त के स्वागत में ईमानदारी से सहभागी बन सके। क्या मैं भी तुम्हारी इस तरह परम विश्वास को प्राप्त कर सकता हूँ और अपनी आत्मा के हर हिस्से में से सांसारिक प्रलोभन से दूर रहने की अनुमति देता हूँ। हे मेरी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कर।